वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली आज अपनी एक्सयूवी की सर्विसिंग हो रही है जो कि 1000 पे होती है। तो मैं बताता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें नॉर्मल कुछ होता नहीं है, बस गाड़ी को वॉश किया जाता है। वॉश करवाने के बाद इसमें चेक किया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं आए ना, और उसके बाद से इसमें बताया जाता है कि सर्विस एक्चुअली इसकी 10000 पे होती है। और यहाँ कंपनी में आप आओगे तो ये आप लोगों को ऐसे वैसे बोल के आपको कुछ बिल फाड़ देते हैं, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें और किसी तरह का ये ना करवाएं, क्योंकि गाड़ी 10000 के बाद ही सर्विस होती है। उससे पहले ये लोग ऐसे बोलते हैं कि ये करवा लो ये करो, कोई कुछ भी मत करवाना, बस आना अपने गाड़ी का चेकअप करवा लो उसके बाद लेके चलो। चलो मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसमें क्या होता है। गाड़ी फाइनली वॉश हो रही है, वॉश होने के बाद चेकिंग में जाएगी। तो चलो मैं बताता हूँ कि ये क्या क्या चेक करते हैं गाड़ी में। ये सिवान का महिंद्रा का सर्विस सेंटर है। अपनी गाड़ी आ गई है चेकिंग के लिए, तो देखो इसमें क्या क्या चेक करते हैं और क्या बताते हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा कि मैं गाड़ी का फर्स्ट सर्विसिंग करवाने गया था, जो 1000 पे गाड़ी का फर्स्ट सर्विसिंग नहीं होता है, वो एक्चुअली चेकअप होता है कि गाड़ी में आपका कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है ना, कोई नोट वोट खुला वाला नहीं है ना, वो वही चेक होता है। एक्चुअली रियल जो सर्विस होता है वो 10000 पे होता है, जिसमें आपका मोबिल फिल्टर कुछ चेंज किया जाता है। तो मैं गाड़ी का सर्विसिंग करवाने गया था एजेंसी पे, उसके बाद मैं वहाँ वीडियो क्लिक कर रहा था, देखा जैसे आपने पिछले ब्लॉग में, तो किसी ने मुझे आके बोला कि तुम वीडियो मत बनाओ, तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब गाड़ी सर्विस करवाने जाओ तो नॉर्मल उसमें सर्विस में कुछ नहीं होता है, बस आपको गाड़ी की चेकिंग की जाती है और कुछ नहीं हो जाता है। जो चीज़ आपको मिलता है वो सब फ्री मिलता है कंपनी की तरफ से, ये झूठ मूठ का कुछ ऐसा वैसा बात करे तो आप उसमें ना पड़े। और चलो मैं दिखाता हूँ कि कंपनी वालों ने मुझे ये दिया है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये मुझे यही बिल मिला है कंपनी की तरफ से सर्विस होने के बाद। तो आपने बिल देख ही लिया है। तो अगर किसी भी बाइक को XUV300 से कोई भी कुछ पूछना हो सर्विस वगैरह बारे में या गाड़ी के फीचर्स वगैरह के बारे में,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा अभी। तो गाड़ी एक खैर चली है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ऑल वेल सही है। बाकी जो होगा मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे चल रही है, क्या एक्सपीरियंस है और कैसे मतलब क्या है, मैं सारा कुछ वीडियो ब्लॉग के थ्रू मैं डालता रहूँगा। तो जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा एसयूवी या के ऊपर वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अभी आपका भाई यूट्यूब पे नया है तो हो सके तो जितना हो सके सपोर्ट करो। तो ठीक है भाई, राम राम।